हरियाणा पंचायती राज संस्था चुनाव के दूसरे चरण में रेवाड़ी में एक महिला को चुनावी दौड़ से बाहर कर दिया गया। सवाल है कि पहले महिला का नामांकन क्यों लिया गया, तो फिर पुरुष की सीट बताकर खारिज क्यों कर दिया गया। अब महिला उम्मीदवार, परिवार व ग्रामीण, रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी व हरियाणा चुनाव आयुक्त तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन महिला को सभी जगह से बेरंग लौटना पड़ रहा है। मामला रेवाड़ी के गांव सुंदरोज का है। जानकारी के मुताबिक गांव सुंदरोज निवासी पूनम देवी धर्मपत्नी पन्नालाल गांव के पंच पद के लिए वार्ड नंबर 5 से नामांकन दाखिल कर चुकी थी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रसीद भी काटी गई थी, लेकिन जब 31 अक्टूबर को नामांकन वापसी व चुनाव चिन्ह आवंटित करने का दिन था, महिला को चुनाव लड़ने से यह कहकर मना कर दिया गया कि वार्ड 5 पुरुष के लिए आरक्षित है। 31 अक्टूबर को महिला अपने परिवार के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी अशोक कुमार गर्ग के पास पहुंचती है, अपना दर्द भी सुनाती है। डीसी अशोक कुमार गर्ग भी इत्मीनान से बातों को सुनते हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया का हवाला देकर उसको आरओ के पास भेज देते हैं। मामला चुनाव आयुक्त तक भी पहुंच चुका है। ऐसे में अब सवाल है कि क्योंकि अब नामांकन वापसी के साथ चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं, क्या महिला को उसका अधिकार मिल पाएगा या नहीं, यह देखना होगा। सुभाष, क्या मसला है जो आप यहाँ पर आए हैं? जी, वार्ड नंबर 5 में लेडीज का फॉर्म भर के स्लिप काट दी और बाद में डेट होने के दूसरे दिन अगले दिन कह रहा है कि ये जेंट्स की सीट है, लेडीज की नहीं है, जबकि हम फॉर्म फॉलो कर चुके हैं। अच्छा, गांव सुंदर, ये पंच का मसला है? पंच का, वार्ड नंबर 5 का। अच्छा, अभी डीसी से भी मिले थे आप, क्या उन्होंने? डीसी भी कह रहे हैं कि हमें एप्लीकेशन लिख के दे दो। नहीं, कोई आश्वासन किस तरह का मिला? आश्वासन नहीं दिया जी, ऐसा कि इसका फॉर्म भरा जाएगा, रखा जाएगा, जो फॉर्म रसीद काट के दे दी इलेक्शन के लिए, वो भी वो कह रहे हैं कि वो एक ही फॉर्म है। मैं आपका रोशन, कौन से गांव से आए हैं? सुंदरोज। क्या मसला है आपका जो आप डी साहब से मिले थे? वार्ड के लिए समाधान चाहिए। क्या इशू क्या है उसमें, मसला क्या है? जेंट्स की सीट थी, लेडीज फॉर्म हमारी इशू भी दे दी, डेट जाने के बाद में, लास्ट डेट जाने के बाद भी ये बोल रहे हैं फॉर्म निकाल लिया जाए। नहीं, अब समझ में नहीं आया, वो किसकी सीट थी और किसने फॉर्म भर दिया? जेंट्स की सीट थी, लेडीज ने फॉर्म भर दिया। अच्छा, तो इसलिए अब बोल रहे हैं डेट जाने के बाद में अपने फॉर्म निकाल लो, काट दिए कर्मचारियों ने। ठीक है, उसके बाद में अब बोल रहे हैं आके ये स्लिप दे रखे हमारे से। ठीक है, अब इस साइज का समाधान कुछ करो। वाला